तो ये है आटा गूंथने वाला मशीन। तो चलिए खोल के दिखाते हैं कि मशीन कैसा और कैसे काम करता है, कैसे आटा गूंथा जाता है। इसको हमने बहुत आसानी से निकाल दिया है, बॉक्स में कुछ नहीं है। देखिए इसको हम साइड करते हैं, बॉक्स को, मशीन को हम निकालते हैं। ये मशीन कुछ ऐसा है हमारा, देखिए बहुत बढ़िया पैकिंग इसका किया हुआ है, एकदम मशीन टूटे नहीं। तो चेक करते हैं, ये कुछ सामान है। ये देखिए कुछ सिलाई में सिलाई मशीन जैसा कुछ है, ये ऐसा लगा सिलाई मशीन है। देखिए यहाँ पे इसको लॉक दिया हुआ है, इसको प्रेस करने से ये खुल जाएगा, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए ये बिजली चलता है इसलिए यहाँ पर ये दिया होता है, दिया हुआ है। तो केवल आटा ही नहीं, बहुत चीज इसे कर सकते हैं। जैसे क्रीम बनाना हो, क्रीम इससे बनता है, बहुत फास्ट घूमता है, क्रीम बनता है। इसे और भी कुछ मिक्स करना होता है तो मिक्स वगैरह कुछ होता है। तो तीन हुक दिया हुआ हमारे यूज करने के लिए, ये तीन हुक है। तो आटा या मैदा गूंथने के लिए ये हुक यूज होता है, तो इस हुक को हम यूज करेंगे। बाकी को रखते हैं, अभी इसको यूज नहीं करना है, साइड कर देते हैं। और ये कुछ वारंटी कार्ड कुछ दिया हुआ है इसका, तो इसको साइड करते हैं। मशीन को यहाँ लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, अपने तरफ घुमा लेते हैं। देखिए ये कम बेसी करने के लिए नॉब दिया हुआ है, तो इधर घुमा लेते हैं, आराम से ये कर पाएंगे हम। तो ये मशीन हमें लगा दिया, यहाँ पे लाइन से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे इसको लगाएंगे, लगा के इसको रोटेट कीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया, नहीं हिलेगा। और ये भी मशीन में नहीं हिलेगा, देखिए नीचे में इसका ये दिया हुआ है, ये रबर दिया हुआ है, जिसमें वैक्यूम से यहाँ नीचे टाइट हो जाता है, तो ये नहीं हिलेगा अब। तो इसको हुक को हम लगाते हैं, हुक को लगाना बहुत ही ईजी है। इसको लगा के जैसे बल्ब लगाते हैं वैसे ही बल्ब ऐसे लगता है, देखिए रोटेट कीजिए निकल जाएगा, फिर इसको लगा के रोटेट कीजिए सब फंस जाएगा। तो इसको फिर से बंद करते हैं, जो यहाँ पे आप पहले देखा था ना, इसी से सब होता है। इसे देखिए पहले ही दिखा दे रहे हैं, देखिए ये नीचे कीजिएगा, उसका छोड़ दीजिएगा, ये लॉक हो गया। और खोलना होगा तो इसी से खोलिएगा, ये खुल जाएगा। उसके बाद फिर से बर्तन वैसे निकाल सकते हैं। तो बंद करते हैं, बंद हो गया, इससे कम बेसी स्पीड होता है। तो चलिए मशीन को हम चालू करते हैं, इसमें मैदा गूंथ के दिखाते हैं कि मैदा कैसे गूंथा जाता है इसमें। तो मैदा लिया हुआ है यहाँ पे, ये जो बर्तन दिख रहा है आपका, ये आटा गूंथने वाला करीब 5 लीटर का है। इसमें 5 लीटर तक इसमें आ जाता है कुछ भी मैदा आटा या और भी कुछ होगा इसमें बनाना हो तो। मैं सारे मैदा डाल दिया है। हम इस बर्तन में बात करते हैं, ये जो है 5 लीटर का बर्तन है, तो इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, इसमें अपने हिसाब से पानी डालना पड़ता है। अब इसको नीचे हम करते हैं, यहाँ वॉल्यूम जो दिया हुआ है इसको चालू करते हैं। तो देखिए मशीन चालू हो गया, आटा गूंथना चालू हो गया। इसका धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड अभी कम कर दिया गया है, इसमें पानी अपने हिसाब से डालना पड़ता है। ये पानी डाल रहे हैं, इसको और तेज कर देते हैं, फिर और तेज हो गया। ये करीब 4 से 5 मिनट लगेगा आपको आटा गूंथने में, मैदा गूंथने में या आटा गूंथने में जो भी हो। देखिए यहाँ कितना दिखा रहा है, आप इसमें देखते रहेंगे ध्यान से। पूरा तेज कर दिया इसको, देखते हैं ये पूरा मैदा जैसे में कुछ कम दिखाएगी मशीन में। थोड़ा पानी और डाल देते हैं, मशीन में बंद करते हैं। अब खोल के दिखाते हैं कितना मैदा गूंथा है हमारा। ये देखिए, देखिए पूरा एक जगह हो गया है। अब इसमें गूंथना होगा, इसमें रखते हैं, फिर चालू करते हैं। ये चेक करने के लिए हम किया था, इसको चेक करने जरूरी नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए किया था। इसमें हाथ का कोई यूज नहीं है, जैसे इसको मशीन चलते रहना है, बाद में एक ही बार जब गुथाएगा तभी निकालना होता है, हाथ का कोई यूज नहीं पड़ता है इसमें। तो फिर चालू करते हैं, देखिए मैदा हमारा गुथा चुका है, इसको निकाल कर दिखाते हैं। हमने गलती किया थोड़ा सा, मशीन बंद नहीं किया, वो डायरेक्टली खोल दिया। तो देखिए मशीन खुलता है तो खुद से बंद हो जाता है, नहीं थोड़ा झटका देखे ये हुआ था। देखिए इसको हमको बंद करके करना चाहिए था, इसको बंद कर दिया, अब खोलेंगे। हमने डायरेक्ट खोल दिया था इसको, देखिए
कितना अच्छा मैदा पूरा गुथा चुका है, दिख रहा है बहुत बढ़िया से गुथा चुका है। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, रोटी पूरी या कुछ भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया गुथा है आटा, मात्र 4 से 5 मिनट में आटा गुथा दिया। तो ये मशीन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और इस मशीन को आप खरीदना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है इसका लिंक, तो वहाँ पे आप जाकर खरीद सकते हैं।